हेलो गाइज, आज के इस नए वीडियो में आप सभी स्वागत है। तो आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का डमी एडमिट कार्ड है जो जारी कर दिया गया है और इसका लिंक भी एक्टिव हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो उनका है जो डमी एडमिट कार्ड है अभी जारी हो गया है। चलिए आपको हम बतलाते हैं कि डमी एडमिट कार्ड को कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बन रही है और हमारे चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड आपको सारा अपडेट है जो मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और डमी एडमिट कार्ड में कुछ भी गलती हो जाता है तो अपने कॉलेज से जाकर जो सुधरवा सकते हैं। इसलिए जो डमी एडमिट कार्ड जारी होता है कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है एडमिट कार्ड में तो अपने कॉलेज से जाकर जो सुधरवा सकते हैं। इसका डेट है जो 3 नवंबर से 14 नवंबर तक है जो रख गया है सुधारने के लिए। तो अपने डमी एडमिट कार्ड को बढ़िया से देख लेना है कि आपका डमी एडमिट कार्ड जो सही तरीका से है कि नहीं है। तो चलिए आपको हम बतलाते हैं कि डमी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको सबसे पहला जाना है अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम में। यहाँ पर आपको सर्च करना लिखना है APP, ये इस तरह का देखिए यहाँ पर लिखा गया है। मीनिंग को बढ़िया से लिखना है, स्पेलिंग को APP सेकेंडरी बिहार बोर्ड। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है APP सेकेंडरी बिहार बोर्ड। 30 तारीख के लिखकर है जो आपको गूगल में है जो सर्च मारना है। तो आप जैसे ही सर्च मारते हैं फिर आपको नीचे आ जाना है और फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड के यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है APP सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन। यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको जो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं होम का ऑप्शन दिया गया है सेकेंडरी होम का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप लोग इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो यहाँ पर बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है जो खुल कर आता है। फिर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका लिंक जो दिया गया है यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड डमी एडमिट कार्ड फॉर एग्जाम 2024, तो आपको इसी पर क्लिक हेयर के ऑप्शन पर है जो क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो यहाँ पर फिर से इस तरह का इंटरफेस जो देखने को मिलता है। फिर से आपको नीचे आ जाना है और फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है। तो आपको इस बॉक्स में जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा तो इस बॉक्स में अपना डाल देना है रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर इसे अपना डेट ऑफ बर्थ का जो डाल देना है। फिर आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो आपको इसी तरह के इसमें जो डालना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो डालना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो इस तरह का आएगा फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को है जो इस तरह का डाल देना है। जैसे कि 10/2000 इस तरह का जो डाल देना है इस तरह का, और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है जो डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है तो हम डाल लेते हैं। पहले यहाँ पर दिया गया है 5 अक्षर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 अक्षर लिख दिए हैं। फिर आपको इस तरह करना है, फिर आपको इस तरह का डालना है, फिर आपको इस तरह का जो आपको फिल करना है, फिर आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो आपका डमी एडमिट कार्ड जो शो हो जाएगा। चलिए आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।